सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां अक्षरा और अभिमन्यु के लिए आई है परीक्षा की घड़ी। जी हाँ, एक तरफ जहां मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर हर्षवर्धन है बेहद नाराज, और वो घर वालों से कहता है कि वो जानता था कि अक्षरा नाटक से भरी हुई है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आरोही भी उसे धोखा दे सकती है। उसे याद आता है कि नील ने उसे शादी के बारे में क्या बताया था, जिसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, जब हर्षवर्धन नील को थप्पड़ मारकर अनाथ कहता है, जिसे सुनकर नील हो जाता है शॉक। वही मंजरी उसे कहती है कि तू अनाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु घर लौटता है, लेकिन हर्षवर्धन उसे गेट पर ही रोकता है और कहता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। हर्षवर्धन उसे गोयनका परिवार वापस जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा मनीष से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आरोही उसे बीच में ही रोक देती है। आरोही एक बार फिर अक्षरा पर अपनी माँ और अभिमन्यु को ले जाने का आरोप लगाती है, जिसके बाद गुस्से में आता है कैरव और आरोही को चिल्लाता है और कहता है कि सीरत की मौत एक दुर्घटना थी, और आरोही हर बात में उसे लाकर उसका अपमान कर रही है। वहीं आरोही मनीष से कहती है कि उसने जो कुछ किया उसके करियर के लिए किया और कुछ नहीं, लेकिन अक्षरा ने जो किया उसने उसके परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है, और इसलिए अगर मनीष उसे पनिशमेंट देना चाहते हैं तो अक्षरा को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। वहीं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अभिमन्यु घर आकर बिरला अस्पताल से इस्तीफा दे देता है, जिसे सुनकर सभी घर वाले हो जाते हैं शॉक। इसके साथ ही आरोही अक्षरा से करेगी सवाल कि क्या वो परिवार की प्रतिष्ठा के खातिर अभिमन्यु को छोड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर अभिमन्यु और अक्षरा के लिए आई है परीक्षा की घड़ी। वे आगे क्या होगा जाने के लिए देखते रहिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है।